जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेश कुमार है, गांव दिनारपुर से, तहसील साहा, जिला अम्बाला। जी सर, मेरी क्या समस्या है? समस्या सर मेरी एक बहुत बड़ी बनी हुई है। वहां पर हमारे 5-7 घर हैं जहां कॉलोनी कटी है 100 वर्ग गज की, तो उसमें सर आज तक पानी की पाइपलाइन नहीं दाबी। अच्छा, कितने सालों से पानी नहीं है वहाँ? तो सर है ही नहीं, जब से मान लिया वहाँ तो आज तक नहीं है पानी। कॉलोनी कितने सालों से है? वो हुड्डा सरकार ने काटी थी। हुड्डा सरकार ने, यानी कि कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में काटी गई थी, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने वहाँ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो वहाँ पानी पहुँचाए। तो कितने आबादी वहाँ पर रहती है लगभग? आबादी तो बहुत है, लेकिन 15-20 घर हैं, ताकि डेरे डूरे वाले भी है ना पास में, गांव के ही हैं। ठीक है, 15-20 घरों का इतने सालों से पानी का जो जुगाड़ है वो कैसे चल रहा है? तो दूसरी बात सर उसमें एक ये है, जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए हुए है ना बिजली के, उनमें लाइट है, एक में है। अगर मान ले किसी एक व्यक्ति को कनेक्शन लेना पड़ गया तो उसको कम से कम 500 मीटर तार लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, वो कहाँ से लगाएगा भाई? तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है? बिजली का कनेक्शन भी सही तरीके से वहाँ नहीं है। तो पानी और बिजली दोनों व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? ठीक, वहाँ पर रास्ता भी नहीं है जी। तो आपने जो वाटर सप्लाई के अधिकारी हैं, एक्शन एसडीओ है, एसडीओ साहब से मेरी बात हुई थी जी। वो पहले मेरी जेई साहब से बात हुई, जेई साहब बोलने लगे पंचायत ने हमारे पास भेजा है रिकॉर्ड, वो कैंसिल कर दिया है। वो ये नहीं पता किस वजह किया उन्होंने कैंसिल। तो पंचायत ने तो मान लिया रेगुलेशन डाल दिया। हम जब भी बोलते हैं सरपंच साहब को, सरपंच तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अधिकारियों का ही नहीं हमें समझ में लगता कि वो क्या कर रहे हैं। तो एसडीओ ने क्या रिप्लाई दिया कि पानी वहां पर जा नहीं सकता? जा नहीं सकता। तो जैसे बात हमारे सामने आई थी कि पंचायत ने प्रस्ताव डाल के भी दिया है, तो उसके बारे में एसडीओ ने क्या कहा? वो कह रहे भी आपका जो यहां का पानी के जो पाइपलाइन दबनी है ना, वो कैंसिल हो गई है। कैंसिल किस अधिकारी ने की? ये अपना सरकार ने किया, अपना खट्टर सरकार ने। क्यों कारण? ये तो अधिकारी बताएंगे ना इस बारे। तो जीने का अधिकार आप लोगों का छीन रही है सरकार? तो बिल्कुल सर, कहीं पर भी कोई बस हवा में बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है जी। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो वो रास्ते हैं, एक तो वो बनाए जाएं, और दूसरा जो हमारा पानी से हम बड़ी दिक्कत उठा रहे हैं, साथ में लगते ट्यूबवेलों से हम पानी लेके आते हैं, बाकी कोई वहाँ सुविधा नहीं है, और बिजली का भी ऐसा ही हिसाब किताब है। तो एसडीओ कहाँ बैठते हैं आपके? हमारे जो वाटर सप्लाई की जी, वाटर सप्लाई के हमारे कैंट में बैठते हैं। कैंट में बैठते हैं जी। और एक्शन? एक्शन भी वहीं बैठते हैं, अम्बाला कैंट। ठीक है, आपने किसी और अधिकारी से मांग की है? मैंने अधिकारी से, मेरी सिर्फ एसडीओ और जेई साहब से ही बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। बिल्कुल, बाकी मैंने आपसे बात की है सर।